नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस डिवाइस के आधार पर आप सर्दी, जुखाम, पसलियों में जमा हुआ बलगम, कफ, इन तमाम ऐसी बीमारी जो सर्दी से संबंधित हमारे बीच में हो जाती हैं, उनसे निजात पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का हमने बहुत ही बढ़िया निर्माण या खोज की है। इस डिवाइस के आधार पर आप विक्स के द्वारा, बाप कैप्सूल के द्वारा उस उपकरण के माध्यम से आप कई महीनों का जमा हुआ पसलियों में कफ, बलगम, जकड़न, ठंडक, इन तमाम शिकायतों को आप मिनटों में दूर कर लेंगे। तो चलिए, आज हम उस उपकरण के बारे में, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि आप यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको हर आए दिन नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस प्रकार है, आप देखें आप लोग, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बहुत ही हाई पावर से भाप बनती है और यह भाप, ये जो सिलेंडर देख रहे हैं आप, इस सिलेंडर से यहाँ निकलती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी बहुत ही कम वाट पर, बिल्कुल कम से कम वाट पर चलती है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की निर्माण विधि क्या लगा, कौन सी सामग्री इसमें लगी हुई है, कैसे किस चीज़ को कहां पर सेटअप किया गया है, इस वीडियो में आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। बस आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो पूरा देखना है, तभी आप इस डिवाइस को बड़े आसानी से अपने घर पर आप बना लेंगे। तो करना क्या है आप लोगों को, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी भरना है, कटोरे में आपको पानी भरना है। हम इसके अभी क्लिप हटा रहे हैं, क्लिप हटाने से ये पूरा ओपन हो जाएगा आपका। ये देखें आप लोग, बहुत ही बढ़िया वर्किंग वाला ये उपकरण है। ये देखें आप लोग, इसके नीचे प्रेस का लाइट वेट वाला एलिमेंट लगा हुआ और पूरी डिवाइस आपकी बिल्कुल करंट प्रूफ है। कहीं भी किसी भी आप बॉडी को टच कर लें तो आपको करंट नहीं लगेगा। वीडियो में हमने इसका पूरा विस्तार बताया है। तो करना क्या है आपको, इसमें आप पानी भर लें। पानी भरने के बाद में इस प्लग को आप मेन एसी बोर्ड से कनेक्ट करें, 150 वोल्ट से 220 के वोल्ट में ये आपकी डिवाइस ऑपरेट होती है। तो इस प्लग को एसी बोर्ड में कनेक्ट करें और उसमें पानी भर लें। पानी भरने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो कैप्सूल देख रहे हैं भाप वाला, इस कैप्सूल को आपने तोड़ के इसमें डालना है। आपको थोड़ा सा इसमें आपको विक्स लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। जब कैप्सूल, भाप वाला और विक्स इसमें आप मिक्स कर दें, इसके ऊपर आपको ये बिल्कुल लीक प्रूफ, एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ ये बनाया गया है। इसका पूरा विवरण भी हमने बताया है, वीडियो में देखें आप लोग जरूर। ऐसे इसको रखना है और रखने के बाद में ये आपको लगा देना है, जिससे साइड से कहीं भी स्टीम, भाप लीकेज ना करे, ऐसे इसको कवर करना है।
ये प्रोसेस आपको हीटर गर्म करने के पहले करनी है, और जब ये आप इसमें चिमटी लगा लें सभी तरफ, इसके बाद में जब आपका ये चिमटी वाला कार्यक्रम पूर्ण हो जाए, तब इसके बाद आपको क्या करना है, एसी प्लग, इसका आपको एसी बोर्ड में इसका प्लग लगाना है। ये आपका जब पूर्ण हो जाए और इसको एसी बोर्ड में आपको लगाना है, समझो पहले पानी भरना है, पानी भरने के बाद आपको भाप वाला कैप्सूल तोड़ के डालना है और ये विस्तार में है। इसके बाद में इस प्लग को आपको एसी बोर्ड से कनेक्ट करना है, तो घड़ी से देख कर सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे, और यहाँ से आपकी भाप बहुत ही स्टीम तीव्र निकलेगी, यहाँ से बिल्कुल फ्वार टाइप की निकलेगी, जिसमें विक्स भी घुली हुई है और आपका ये भाप लेने वाला कैप्सूल भी आपका घुला हुआ है। तो ये स्टीम जो आपकी निकलेगी, तो इसको ऐसे आप रख लें, तो दाएं बाएं अगर 2-4-5 लोग भी अगर बैठे होंगे रूम में, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो जकड़न की, कफ की, खांसी की, वलगम की, तो वो थोड़ा हवा लें हल्की, फिर छोड़ें, हवा लें फिर छोड़ें, तो ये आपकी विक्स से रिलेटिव भाप, कैप्सूल वाली भाप थोड़ा आपके अंदर जाएगी सांस के द्वारा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक डिवाइस में एक ही बार में 3-4-5 लोग करीब लाभ ले लेंगे। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, इसकी पूरी वर्किंग बिल्कुल लाइव हमने इसी वीडियो में दी है, आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये कैसा लगा आपको उपकरण, इसकी राय मशवरा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही, आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मेरा, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में आप लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन मशीन लेकर आया हूँ, यह एक ऐसी मशीन है जिसके आधार पर आप 1 से लेकर 10 लोगों का जुखाम, सीने में जकड़न, कफ, खांसी, बलगम, इन तमाम चीज़ों से आप छुटकारा दिला सकते हैं। बिल्कुल हाथ की बनी हुई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर यह वाप वाली मशीन है। आपने वाप वाली मशीनें तो बहुत ही देखी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल हटके वाप वाली मशीन है। इसका खांसी, सीने में जकड़न, कफ, नाक बंद होना, ये तमाम जो बीमारी हैं, सर्दी से संबंधित, जुखाम से संबंधित, खांसी से संबंधित, कफ बलगम से संबंधित, इनसे छुटकारा बड़े आराम से मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है इस मशीन को बनाने के लिए, कुछ स्पेशल पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आप लोगों को आज अपने वीडियो में बता दूं कौन कौन से वो पार्ट्स हैं। सर्वप्रथम तो आप लोगों को एक एल्युमिनियम का कटोरा लेना पड़ेगा, ये जो एल्युमिनियम का कटोरा है ये देख रहे हैं आप लोग, इसको लेना पड़ेगा। कटोरे के नीचे आपको एक 750 वाट का लाइट बेस प्रेस का एलिमेंट आपको लगाना पड़ेगा, और एलिमेंट लगाने के बाद में एलिमेंट के ऊपर आपको 2 जॉइंटर लगाकर उसमें वायर निकालना होगा, और इसी एलिमेंट के पीछे आपको एक लोहे का वजनदार आपको एक पीस लगाना पड़ेगा गोल, जिससे एलिमेंट का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इस कटोरे में बढ़ जाए, और कटोरे के सेंटर में आपको बिल्कुल एक पतला सुराख करना है 7 नंबर नटबोल्ट का, और यहाँ से आपको नटबोल्ट डालना है, ये देखें आप लोग, और यहाँ पर ऊपर स्क्रू को टाइट कर देना है। अब इस कटोरे को हम कैसा भी प्लग में लगा दें, इसमें कोई करंट नहीं आता है, करंट प्रूफ है ये, देखें आप लोग, जैसे ये बोर्ड है आपका, ये करंट प्रूफ है। हम आपको नमूना दिखाते हैं छोटा सा, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इसमें करंट नहीं आ रहा है। ये आपकी सीरीज लाइन है, ये देखें आपकी सीरीज लाइन है, ये ठीक है, ये आपकी सीरीज लाइन है, ठीक है,
अब एक बार हम इस कटोरे की बॉडी पे लगाएंगे और दूसरा इस पे लगाएंगे, ये देखें आप लोग, कोई भी रिस्पॉन्स कटोरे पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कटोरे पर अगर थोड़ा भी अगर पावर आ रहा होता कहीं भी तो हम मानते कि हमें इसमें अर्थिंग आ रही है। आपकी ये देखें आप लोग, ये आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई इसमें कटोरे के बॉडी में कोई भी अर्थिंग आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये आपका एसी प्लग, इसको हमने यहाँ लगा दिया, ये देखें आप लोग, और इस कटोरे को हम हाथ में लिए हुए, जबकि ये आपका इसमें अटैच है, बिल्कुल पावर ऑन है, 220 वोल्ट इसमें बराबर रेगुलर चल रहा है, लेकिन कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो सिस्टम है बनाने का वो बिल्कुल प्रेस के मेथड से बनाया गया, जैसे प्रेस में एलिमेंट लगाया जाता है और उसमें कोई करंट नहीं आता, ठीक इसी प्रकार ये आपका 750 वाट का एलिमेंट है, जिसको मैंने कटोरे के नीचे की पैदी के आकार से गुलाई कर डिजाइन किया। बाहर इसमें हमने एम सील और दो ज्वाइंटर आधा इंच की वॉल वाले लगाकर और वायर अच्छी क्वालिटी की, इसमें वायर हमने बाहर निकाल दी और वायर के बाहर हमने प्लग लगा दिया है। तो इतनी ये प्रोसेस। अब सवाल उठता है कि इसको यदि मैं लकड़ी को ऊपर रखता तो ये लकड़ी आपकी जल जाती, तो इसको सपोर्ट के लिए हमें ये देखें 10 नंबर के कम से कम 3.5-4 इंच लंबे दो नट बोल्ट की आवश्यकता पड़ी, ये देखें आपके, तो इन नट बोल्ट को हमने यहाँ से हार्ड बोर्ड में छेद कर, ये देखो दोनों छेद है, छेद कर हमने यहाँ इसको एक पंखे की रिंग के द्वारा इसको सपोर्ट किया, जिससे इसकी ऊंचाई इतनी बनी रहे। तो देखें आप लोग, यही वो आपका एलिमेंट है, तो गाइस देखें यही वो एलिमेंट है जिसकी मैंने आप लोगों से इसमें लगाने की चर्चा की थी। तो एलिमेंट को जब बाहर निकालेंगे तो आप एलिमेंट की शेपिंग देखें इस टाइप की होगी आपकी, ठीक है। तो इस एलिमेंट को हल्का सा सीरीज में यहाँ करंट दे के हल्का सा इसको हीट कर लें, फिर तो आराम से आप धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके इसकी गुलाई बना लें, जैसे कि ये मैंने गुलाई यहाँ बनाई है, देखें पीछे गुलाई बनी दिख रही है आपको पूरा। इसके बाद में ये एलिमेंट का काम आपका लॉज होता है। अब सपोर्ट करने के लिए ये रिंग का इस्तेमाल करना है आपको, ये रिंग आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर मिल जाएगी, छोटा जो हमारा टेबल फैन होता है उसमें लगने वाली रिंग, तो रिंग से आप पीछे ऐसे एक साइड को जब उसको काटेंगे ऐसे काट देंगे तो इसको फैल जाएगी, ये देखें आपकी फैल गई आपकी, ठीक है। और इसको आपको ऐसे सपोर्ट करना है जैसे कि मैंने इसमें ये सपोर्ट किए। अब यहाँ सपोर्ट करने से क्या आपको सुविधा हो जाएगी कि ये जो आपको 10 नंबर के नट बोल्ट हैं ये यहाँ पर आपके ऐसे सेटिंग मिल जाएगी आपको इस टाइप की, ये जैसे कि 8 बोर्ड पर लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक डिवाइस हो गई, इसमें चाहे आप चाय बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, कुछ भी इसमें सब्जी वगैरह कुछ भी बना सकते हो, बिल्कुल 450 वाट ये करंट लेता है एलिमेंट। आप भी जानते हो प्रेस का एलिमेंट होता है जो कितना 450 वाट या 750 वाट लेता, तो 450 वाट वाला आप लगाएं कम से कम आपका वाट लेगा। तो इसमें एक तो आपका ये फ्राई पैन बन गया, चाय कॉफ़ी आपका सब्जी चावल कुछ भी आप इसमें बना सकते हो, एक तरह का आपका रेडीमेड ये किचन कुकर हो गया आपका, ठीक है। एक तो आपको ये सुविधा मिल रही इसे बनाने की। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, बहुत ही दिमाग लगाकर इस चीज को समझें आप लोग, इसके ऊपर आपको एक चादर काटनी है, इसी की नाप लेके कोई भी आपको ये चादर ऐसी गोल सी आपको काटनी है, देखें बिल्कुल। चादर काटने के बाद में चादर की तीसरी साइड में आपको ये रबड़ का साइकिल का ट्यूब का रबड़ आपको देखें इस टाइप से आपको लगाना है, ठीक है। ये देखें आप साइकिल का जो ट्यूब है फेवी बॉन्ड के सहारे आपको ऐसे इसको पूरे चारों तरफ बिल्कुल घेर के ऐसे लगाना है, देखें लगा हुआ। इसके बाद सेंटर में आपको ये शेड करके ये आपको सिलेंडर लगाना है, ठीक है। ये वो सिलेंडर है जो आपने देखा पुराने हमारे जो गोदरेज के फ्रिज हुआ करते तो पीछे एक जाली लगाई जाती है, उस जाली में ये सिलेंडर आपका निकलता है, बिल्कुल एल्युमिनियम का होता है। सिलेंडर लगाने के बाद में आपको यहाँ पर फेविक द्वारा इसको बिल्कुल सेट कर देना, बिल्कुल सेंटर में एक सुराख करेंगे जो आपने चद्दर का गोल गोल काटा हुआ। इसके बाद में जब चद्दर का आप काट ले, इसके बाद में आपको सिलेंडर यहाँ पर सेट करना है, फेविक से इसको बिल्कुल जाम कर देना सिलेंडर के बाद में। इसका जो सिलेंडर का पाइप है आपको हल्का सा ऐसे मूवमेंट कराना है, ऐसे मूवमेंट कराने यानी कि अपनी साइड में इसको ऐसे रखना है, सिलेंडर में आपकी स्टीम भरेगी। अब इस प्रोसेस का पूरा आप काम देखें, इतना करने के बाद में अब आप ये पूछें ये रबड़ को क्यों लगा गया, तो समझें आप, हम इसमें जैसे पानी भरेंगे इसमें
पानी भरने के बाद जैसे इस प्लग को हम लाइट के 220 वोल्ट पे लगाएंगे, ये पानी आपका खोलना लगेगा। जब पानी आपका खोलेगा तो ये जो रबड़ लगी हुई है, ये रबड़ से क्या होगा, यहाँ पर आपकी स्टीम बाहर, भाप बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, जब भाप बाहर नहीं निकलेगी तो भाप कहाँ जाएगी, भाप आपकी यहाँ ये सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर में आपका स्टोर होगी, यहाँ पर इकट्ठा होगी भाप और यहाँ से प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी और चारों ओर ये भाप आपकी फैलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका नेक्स्ट वर्किंग क्या है। बहुत ही गजब का ये वर्किंग मॉडल है, बहुत ही गजब का, बिल्कुल काम का, स्वास्थ्य के हित के लिए बहुत ही अच्छा ये आपका प्रोजेक्ट है। इसे आप ज़रूर बना लें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले जो भाप लेने वाली जो मशीनें होती हैं बहुत ही कंडस्टेंट होती हैं, छोटी होती हैं और वो प्लास्टिक के लगभग मटेरियल पर डिज़ाइन की जाती हैं, प्लास्टिक के डब्बों में डिज़ाइन की जाती हैं और बहुत ही कॉस्टली होती हैं। उसमें एक ही आदमी भाप ले सकता है, लेकिन इस कटोरे से, हाथ के बने कटोरे से जो भाप आप लेंगे तो तीन चार लोग दाएं बाएं बैठ जाएंगे, यहाँ पर जो स्टीम निकलेगी आपकी तो सभी को रिलीफ मिलेगा, खांसी में, जुखाम में, जकड़न में जमा हुआ कफ आपका बाहर निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्वस्थ हित के लिए ये आपका उपकरण है, इसे आप जरूर बना लें। तो देखें नेक्स्ट वर्किंग इसका कैसा क्या है, अभी हम आपको पूरा फुल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी भरना है, ये देखें, ठीक है, आप बिल्कुल पानी भरते हैं, इसमें कोई लीकेज नहीं होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको ट्रेट किया गया है। ये देखें आपने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट वर्किंग क्या है, जब आप इसमें पानी भर लें, ये देखें बिल्कुल कोई भी लीकेज नहीं हो रहा, बढ़िया आपका फर्स्ट क्लास इसमें पानी भरा होगा। देखें आप लोग, पानी भरने के बाद में अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से रहें आपको, ये आप जानते ही ये भाप लेने वाले कैप्सूल हैं, तो आपको एक कैप्सूल इसमें डालना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये आपका बहुत ही बढ़िया, इसकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम, ये एक कैप्सूल इसमें आपको तोड़ के डालना है, ठीक है, ये हमने इसमें कैप्सूल एक तोड़ के डाल दिया, ये देखो, ठीक है, डाल दिया एक कैप्सूल इसमें, इसमें आपका एक हमने डाल दिया इसके अंदर, ये देखो, ठीक है, डल गया आपका कैप्सूल। यदि आप चाहें तो दो भी कैप्सूल डाल सकते हैं, फिलहाल तो हमने अभी एक कैप्सूल इसमें डाला है, ये भाप लेने वाला कैप्सूल डाल दिया, ये डल गया आपका कैप्सूल, ये पूरा इसके अंदर अंदर डल गया, ठीक। इसके बाद में हल्की सी आप विक्स लें और उस विक्स को हल्का सा आप ऐसे विक्स लें, ऐसे थोड़ी सी इसमें, और इसको ऐसे कर लें, ठीक है, तो आपका इसमें भाप लेने वाला कैप्सूल विक्स, तो इसमें आपका भाप वाला कैप्सूल डाल दिया गया है और हल्की सी हमने इसमें विक्स भी घोल के मिला दी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस का आएगा, इसको हम बंद करेंगे, ठीक है, देख रहे हैं ये जो रबड़ का हमने ये आपका ये बीडिंग लगाई हुई है, इसको हम बंद करेंगे, ये देख, ठीक है, और इसके ऊपर हम ये छोटे छोटे आपके क्लैंप लगा देंगे ऐसे, जिससे ये तेज प्रेशर बने और हमारा ऊपर का ये जो ढक्कन है वो ना निकल जाए, तो इसको हमने ऐसे सपोर्ट करेंगे, ये देखें आप लोग ऐसे सपोर्ट कर दिया, चारों तरफ से इसको हमें सपोर्ट करना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से सपोर्ट कर देंगे, ये देखें आप लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, उत्तम ये आपका साधन है, सर्दी जुखाम खांसी जमा हुआ कफ फेफड़ों में जकड़न सीने में जकड़न पसलियों में जकड़न इन सब को ठीक करने का इससे अच्छा कोई साधन आपको नहीं मिलेगा। इसमें हमने करीब 2 महीने से दिमाग लगाया, 2 महीने के बाद इसमें हम रिसर्च पर पहुंच पाए कि हमें कैसे इसका निर्माण करना है, कैसे इसको हमें बनाना है। तो देखें आप लोग ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, एसी प्लग जो आपका सामने है और इसका प्लग हमें इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, करीब 2-3 मिनट वेट करेंगे, फिर आप देखना इसमें बढ़िया सी फर्स्ट क्लास इसमें भाप वाले कैप्सूल और विक्स की इसमें भाप निकलेगी, बहुत अच्छी भाप निकलेगी। 1% नहीं बल्कि 2-3 लोग 4 लोग इसमें आमने इसके सामने बैठ जाएं, हल्की सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 एक बार में 5-6 लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो पर, इसका वेट करिए 5 मिनट, उसके बाद इसमें वॉयल होगा वाटर और आपकी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। बहुत ही यूनिक लेटेस्ट ये फंक्शन है इसमें।
तो देखें आप लोग, ये पूरा वर्किंग में आ चुका है, इसमें स्टीम निकलने लगी है, आपकी भाप बनने लगी है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें भाप बनना शुरू हो चुकी है इसमें। तो देखें आप लोग, ये आपकी भाप निकलना शुरू हो गई है, ये देखो कितनी गजब की, ये देखें आप बढ़िया भाप निकल रही है। ये वो भाप है जो भाप वाले कैप्सूल और डिस्क से निकल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपकी बिल्कुल, ये जो भाप है हर जगह फैल रही है, और इस भाप से कैसा भी आपके अंदर जमा हुआ कफ हो, खांसी हो, जुखाम हो, सब में ही आपका लाभ देगी ये भाप आपकी। तो देखें हम लोग, ये आपकी वही भाप है जो आपकी भाप वाले कैप्सूल और पिस के घुलनशील पदार्थ तो पानी में घोले, ये देखें आप लोग कितनी गजब का, ये आपका ये हर जगह आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो भी इसके सामने बैठा होगा उसको जुखाम खांसी सभी चीज़ से आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें आप लोग, इसमें निकलने वाली स्टीम बहुत ही गजब की, ये देखें स्टीम निकल रही है आपकी, बढ़िया ये वर्किंग मॉडल है, बहुत ही अच्छा ये उपकरण है स्वास्थ्य के लिए। ध्यानपूर्वक देखें इसमें बढ़िया बेहतरीन तरीके से ये भाप निकल रही है, इसके सामने जितने लोग भी बैठे होंगे सांस लेंगे छोड़ेंगे तो ये भाप के जो कैप्सूल हैं और ये वृक्ष से मिला हुआ ये इसमें मटेरियल है, इससे उनको जुखाम खांसी सब में राहत मिल जाए। तो देखा आप लोगों ने कितना बेहतरीन फर्स्ट क्लास हाथ का बना हुआ भाप लेने वाला उपकरण, कितनी मस्त इसमें बढ़िया से धीरे धीरे करके ये भाप निकलेगी, और हमारे अंदर जो जुखाम खांसी कफ जमा हुआ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इस उपकरण को ज़रूर बनाना चाहिए, देखें आप लोग इस उपकरण को ज़रूर बना लेना चाहिए। अभी आपने इसको बंद पोजीशन में देखा, इसमें ये आपका सिलेंडर लगा हुआ था, अब आप इसको देखें कितना बेहतरीन तरीके से पानी खोल रहा है, और ये जो भाप है ये आपकी बिस और भाप के कैप्सूल से ये जो भाप बन रही है, ये भाप से हम खांसी जुखाम सीने में जकड़न पसलियों में जमा हुआ कफ इन सब से निजात पा लेंगे। तो अब देखा आप लोग, जैसे ही आपका पानी खोल रहा है, जैसे ही हम इसको रखेंगे तो ये पानी की जो भाप है बाहर निकलने लगेगी, आपकी यहाँ पर आने लगेगी, ठीक है। प्रोसेस वही है, यहाँ जो निकलेगी ये फिर फैलेगी चारों दिशा में और हमें इससे आराम मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने इस उपकरण की प्रॉपर्टी, इसे आप ज़रूर बना लें, बहुत ही गजब का ये उपकरण, ये भाप लेने के भी काम आएगा आपका, चाय चावल सब्जी ये सब इस पर आप बना सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा किचन मास्टर स्पेशल कुकर, इसे आप ज़रूर बना लें भाप सर्दी जुखाम खांसी से बचने के लिए। घर में घरेलू किचन में सब्जी चाय चावल पकाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये डिवाइस है, बिल्कुल आसान है इसका बनाना, इसका पूरा वीडियो आप देखें तो ज़रूर इसे बना लेंगे। मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।